देश भर में लगातार बढ़ रहे भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर हाथ मिला लिए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर 11 मार्च को चुनाव होने हैं और 14 मार्च को मतगणना होगी। दोनों सीटें बीजेपी के लिए इसलिए खास है क्योंकि गोरखपुर से मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ और फूलपुर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सांसद थे। उन दोनों के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि दोनों दलों के एक साथ आने पर पिछड़े, दलित और मुसलमानों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा। इन तीनों की आबादी राज्य में करीब 70% है। तीनों एक मंच पर आ जाएंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती है। हम आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि एसपी मात्र 5 सीटों पर जीत सकी थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी केवल 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीएसपी 19 सीटों पर ही सिमट गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें हैं। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में हुए गोलीकांड के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की काफी किरकिरी हुई थी। इसके कुछ महीने बाद 1991 में हुए विधानसभा के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को करारी शिकस्त मिली थी। बीजेपी ने राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी। कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढा दिया था। कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। वर्ष 1993 में बीएसपी के तत्कालीन अध्यक्ष काशीराम और मुलायम सिंह यादव की पार्टी एसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसका नतीजा रहा कि 1993 में एसपी और बीएसपी गठबंधन ने सरकार बनाई और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। सरकार करीब 1.5 साल चली कि इसी बीच 2 जून 1995 को लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के साथ एसपी कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया। इसके बाद गठबंधन टूट गया और बीजेपी के सहयोग से मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बन गईं। तभी से एसपी और बीएसपी के संबंधों में खटास आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।